हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो इसके पहले एक डेली व्लॉग मैंने डाला था, संडे डेली व्लॉग करके। इसमें मैंने आपको लाइक थोड़ा सा समरी दिखाया था, हम लोग जहाँ जहाँ गए थे घूमने के लिए। अभी आ चुके हैं, मतलब हम यहाँ पे करकाला, जो कि कर्नाटका में एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। नीचे किलोमीटर और क्यों फेमस हो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर देख, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पर आने के लिए पार्क और आने के लिए लेक के सामने, जहाँ पर एक टेम्पल भी है। तो चलिए चलते हैं और इसको टूर कराते हैं। ये वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सबसे खूबसूरत ये लेक और ये एंट्री पॉइंट, ये पूरा सराउंडिंग देखिए लेक ही है। और यहाँ पे बीच में जो है एक टेंपल है, ये अंदर है। अभी भी इसमें जो है कंस्ट्रक्शन थोड़ी चल ही रही है। इस तरह से आ चुके हैं हम लोग अभी। और यहाँ भी देखिए तो इधर भी लाइटिंग एक तरह से दी गई है। और ये एरिया जो है ना, ये काफ़ी खूबसूरत एरिया है, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो सराउंडिंग में जो ये ट्रीज़ लगे हैं ना, इसकी वजह से ये लेक की खूबसूरती और बढ़ जाती है। धीरे धीरे ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, और यहाँ पर जब ये टेम्पल स्टार्ट होगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग आने वाले हैं। और यहाँ पर भी आने वाले दिनों में बोटिंग या कुछ तो ज़रूर होगा, क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। और ये देखिए यहाँ का प्लेस, वाओ। तो गाइस ये आ चुके हैं हम लोग, ये अब यहीं पे सामने ही पार्क है। तो ये पूरा एरिया जिधर से हम लोग जा रहे हैं पार्क का ही है। तो इधर देखेंगे तो इनके कुछ खाने आने के लिए दाने दिए जाते हैं। ये पूरा है, इस तरह से पार्क ही बना हुआ है। घूमते हैं, दिखाते हैं आपको और कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे। वो पेपर ही देखा था। अच्छा, पेपर इधर दसवीं नहीं है, ऐसे भी डाल सकते हो, ऐसे ही फेंको यहाँ से, इधर साइड भी दोनों। अरे ऊपर उधर भी डाल देना। अच्छा, यहाँ यहाँ देखो, नीचे नीचे नीचे। देखो सब 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 आ जा रहे, भाग रहे, देखना अपने पैर बचाना। सुनो उधर डाल दो, अब उधर डाल दो, उधर आ जाओ, सब बहाना निकल जाए, इधर कोई नहीं है। हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, तुम डालो। तो हम लोग इधर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। वैसे अभी बज रहे हैं 10:15 और थोड़ा धूप हो गई है। तो यहाँ पर क्योंकि पार्क है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना ज़्यादा ट्रीज़ है। तो यहाँ पे बैठने के लिए भी है, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा करेंगे रेस्ट। ये देखिए उधर काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई है और यहाँ पर अभी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मस्त लग रहा है। और सराउंडिंग देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ये है, बहुत अच्छा। और यहाँ पर भी बहुत अच्छा, अभी बहुत ये देखिए पेड़ वगैरह काफ़ी खूबसूरत, एकदम ग्रीनरी लग रहा है, मस्त। और ये पाथ देखिए गाइस, ये पाथ एकदम लग रहा है जैसे गुफा के जैसा, दोनों के तरफ से ये है ना। ये पार्क में जनरली आपको मिलेगा ही, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है हमें। अभी मॉर्निंग का टाइम है ना, तो धूप आपको बस टेम्पल के साइड में ही है वहाँ पर, और काफ़ी अच्छा है, यहाँ से टेम्पल भी दिख रहा है। और यहाँ से चलते हैं आगे की ओर, चलो।
और सबसे खूबसूरत है यहाँ का लेक जो साइड साइड में है, तो उसके वजह से ठंडी हवाएं भी आपको मिलती रहेंगी। लोग आ चुके हैं एकदम जस्ट अपोजिट साइड में, जहाँ पे टेंपल आपको दिखाया था और उसके जस्ट सामने एकदम फ्रंट पोजीशन पे देखेंगे तो यहाँ से देखिए टेंपल का व्यू कितना अच्छा है। ठीक है, तो इतना बड़ा लेक है, मतलब ये सराउंडिंग में फैला पड़ा है। हम लोग उधर से रास्ते से घूमते हुए आए, आपको दिखाए, और अभी फिर हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं इधर। ये तो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं ना, नारियल के पेड़ है, नारियल के पेड़, नारियल के पेड़, हाँ कोकोनट का है। तो गाइस ये काफी लंबा रास्ता है हम, और हम बहुत थक गए हैं, और हमारी बाइक जो है वो हमने एंट्रेंस पे खड़ी कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ से मतलब एक तरह से किस तरह से इन्होंने बनाया है, टेम्पल के अंदर से आप आएंगे सराउंडिंग घूमते हुए तो आपको रोड में चले जाएंगे। शायद मुझे लग रहा है कि ये पाथ जो है ना उधर ही जाएगा, क्योंकि और कोई पाथ मिल नहीं रहा है, और रास्ते तो काफ़ी अच्छे हैं, और वहाँ से हमें रोड से काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा लग रहा है, रोड होते हुए फिर उधर सराउंडिंग होते हुए फिर हमें एंट्री पॉइंट पे जानी पड़ेगी। कमल का फूल है ना वो वाइट वाला, कहाँ सा कमल के फूल हैं यहाँ पे, रेड वाले और वाइट वाले भी हैं। और ये पौधा तुमने देखा है कभी, ये वाला? ये वाले पत्ते ना, हाँ ये हम लोग कांदा या पक्षी कुछ ऐसे बोलते हैं, इसकी सब्जी बनती है, काफी अच्छी लगती है। ये सारी कोकोनट की ही है। हाँ भाई सारा देखो कोकोनट ट्री है, पता नहीं कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखो मोटे पत्ते हैं, पूरे मोटे है ना अभी। गाइज ये धीरे धीरे और डेवलप हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे और ज्यादा ये सब फ्लावर वगैरह करेंगे ना साइड से तो अच्छा खासा ये पार्क बन जाएगा। ये शायद पूरा क्लीन व्लीन करके, ये सुपारी का भी पेड़ है कहाँ पे वो देखो ऑरेंज कलर की, ये पानी में एक मछली तैरती हुई, और ये मेढक कूदते हुए, ये मेढक कूदते हुए। जगह जगह पे आपको इस तरह के छाव मिलेंगे काफी मजेदार, थोड़े से धूप में आप चले जाओ थक जाओगे फिर छाव मिलेगी, ये अच्छा इन्होंने बनाया है। फाइनली हम लोग जितना घूमना था घूम लिए हैं, और ये जो रास्ता है ये डायरेक्ट आपको रोड के साइड में जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा हमें टर्न करना पड़ेगा, इसलिए अब हम फिर से बैक जा रहे हैं इसी रास्ते से। तो गाइस हो गया हमारा जितना पार्क घूमना था, हो गया अभी टूर, अब हम लोग जाने वाले हैं फॉल्स, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अब ये आपको देखने के लिए मिलेगा नए वीडियो में, इस वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे जो ऑलरेडी है। हाँ, बट वो फॉल्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत अच्छा है, तो इसलिए वो वीडियो ज़रूर देखिए। और ये तो ज़्यादा ही सुंदर था, लेक है, और लेक के साथ साथ और जनरली आपको जहाँ पे लेक मिलेगी ना उसी के आसपास आपको वाटरफॉल भी मिलेगा, तो यहाँ से वाटरफॉल का डिस्टेंस है अराउंड 5-6 किलोमीटर। तो अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो में। थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऑल पे सब्सक्राइब करिए, यस, सो दैट कोई भी वीडियो मिस नहीं होना। थैंक यू। वाओ एक नार, ये गिरा हुआ है कोकोनट है क्या? हाँ तो होगा फिर थोड़ा सा, देखो नॉर्मली सूखा जो सूखा रहता है वो गिरता है, होगा कुछ दिन बाद सूख जाएगा। अच्छा है।